है, क्योंकि वो जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। तो क्या किसी ने भी उसको ट्राई किया था क्वेश्चन को? यस मैम। ओके आयुष, आपने उसको ट्राई किया था, एंड विषम आपने ट्राई नहीं किया था? नो ओके कोई बात नहीं। सो आयुष कुछ बता सकते हैं आपने क्या किया था वहां पर? मैं क्वेश्चन आपके सामने अभी स्क्रीन में प्रेजेंट करती हूँ। सो ये आज का क्लास है हमारा, वेवी कर्व मेथड का डेट 2 है एंड लेक्चर 3। सो आज का डेट क्या है? 2nd ऑफ अगस्त। ओके सो लास्ट क्लास में हमने वेवी कर्व मेथड पढ़ा था एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे, कंसेप्ट किया था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन किए थे। ये भी देखा था कि वेवी कर्व मेथड में कौन सा ट्रेंड अप्लाई होता है और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी ट्रेंड पे बेस्ड था। एक क्वेश्चन में ट्रेंड ब्रेक हुआ था, उसमें भी हमने क्या किया था, दूसरे तरीके से ट्रेंड में आने की कोशिश की थी। तो फाइनली हमारा सारा ठीक ठाक गया था। आज के वेवी कर्व मेथड में हम क्या करेंगे कि उसी मेथड को अप्लाई करते हुए चलेंगे सारे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे रैशनल इनइक्वालिटीज होगी। रैशनल नंबर क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो होता है हमारा। और हम क्या देखेंगे कि रैशनल इनइक्वालिटीज को वेवी कर्व मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये था वो क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हम लोग ऐसे ही लीव नहीं कर सकते हैं। तो आयुष प्लीज माइक अनम्यूट करके बताइए आपने कैसे ट्राई किया था, मुझे बस जानना है। यस मैम। मैम पहले मैंने मैम एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 50 किया था, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस 47 इक्वल टू 0 किया था। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस 47। 47 ओके, 50 माइनस 3 होता है 47 इक्वल्स टू 0। ऐसे करके आपने फैक्टराइज किया था फिर? यस मैम, ये फैक्टराइज हुआ था आपका 47? मैम हाँ मैम जी, नहीं हो पाया था फैक्टराइज। हाँ नहीं हो पाया था, चलिए कोई बात नहीं, इट्स फाइन, बट आपने एटलीस्ट एक ट्राई तो किया ना। तो अभी देखते हैं इसको करना कैसे है। मोस्ट ऑफ द केस में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करने के पीछे भागते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू 50, देख के ही लग रहा है कि फैक्टराइज होना तो बहुत मुश्किल है। इस केस में हम वैल्यू को क्या करेंगे, कोई एक वेरिएबल का नाम देंगे, सपोज करेंगे, जैसे हम इक्वेशन में करते हैं ना, लेट एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई बी द वेरिएबल ऑफ दिस इक्वेशन, कुछ सपोज कर लेते हैं अगर बड़े नंबर्स होते हैं तो। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। सो मैं कैसे सपोज कर रही हूँ आपका, लेट एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स मेरा क्या है, दोनों में कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, और ये 3 और 2 बच जाएगा मेरे पास, तो जो कॉमन है उसको मैं पहले एक नाम दे देती हूँ, विच इज इक्वल्स टू टी। मैंने इसको टी दे दिया, अब मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो क्या होगा मेरा पहला, टी प्लस थ्री, एंड दूसरा क्या होगा मेरा, टी माइनस टू, नॉट थ्री, टू एक्चुअली, ठीक है। अभी बात आती है लेस देन इक्वल टू 50 की। तो हम सबको पता है कि वेवी कर्व मेथड सपोर्ट करने के लिए क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। अब इस तरफ में उसके लिए आपका 0 होना चाहिए, अगर कोई नंबर होगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा, तो 50 को भी हम इस तरफ लाएंगे, लेकिन उस प्रक्रिया से पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, टी प्लस थ्री टी माइनस टू, ठीक है। तो फैक्टराइज करते हैं तो अंत में जाके हमें दो ऐसे वैल्यूज मिलते हैं, फिर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो ये दो वैल्यूज अगर इसको हम ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करें तो कितना आएगा मेरा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस सिक्स, ये आ जाएगा मेरा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको यही इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। जब ये इक्वेशन मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी,
स्क्वायर प्लस टी माइनस सिक्स और 50 को मैं इधर लेकर आऊंगी, तो ये मेरा कितना हो जाएगा माइनस सॉरी 50 हो जाएगा माइनस 50, उसको बस मैं इस तरफ लेकर आ गई एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया देन लेस देन इक्वल टू जीरो दे दिया। अभी जाकर इसको मैं अगर लिखती हूँ टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 56 इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। फिर से हम इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 56 क्या कह रहे हो मैम 56 नहीं है 50 है 50 है कहाँ से 50 है 56 नहीं हो जाएगा 6 भी तो है आपके यहाँ पर ध्यान से देखिए मैम सॉरी हाँ कोई बात नहीं होता है 0 और 6 मेरे से भी हो जाता है लिखने में तो 56 है तो 7 8 56 हो जाएगा और 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1 मिल जाएगा आपको तो फैक्टराइज करूंगी मैं तो t प्लस 8 मुझे एक मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा t माइनस 7 ठीक है माइनस 7 मिलेगा लेस देन इक्वल टू 0। ये दो आ गए मेरे पास। अब यहां से तो मेरे लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालना बहुत ही आसान है लेकिन अभी मैं क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालूंगी इस पॉइंट पे क्योंकि मैंने t लिया है ना तो असल वाला इक्वेशन जो मेरा रियल इक्वेशन है वहां पे भी तो मुझे काम करना है। सो मैंने t किसको लिया था जो है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स को मैंने टी लिया था। अब टी की जगह पे उसकी जो रियल वाली वैल्यू है उसको पुट करते हैं प्लस 8। उसी तरीके से यहाँ पे जब मैं पुट करूंगी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस 7 ठीक है लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा अब जाके देखो माइनस सिक्स एक्स माइनस 7 हो जाएगा आपका ठीक है। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे मतलब फर्दर फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा देन इन इस वाले ब्रैकेट से दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी क्या क्या मिलेंगी एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 मिल जाएगा। इस वाले ब्रैकेट से क्या मिल जाएगा 6 एंड 7 है आपका सो एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 1 मिल जाएगा। अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो यही मिलेगा अपने को। अभी मेरे को क्या करना है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों बताओ सारे लोग इतने चुप चुप बैठे हैं क्या बात है क्या कुछ समझ नहीं आ रहा क्रिटिकल पॉइंट्स ओके ओके ठीक है क्रिटिकल पॉइंट्स अब होगा मेरा कितने होंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे अपने को सो माइनस 2 का क्या हो जाएगा आपका प्लस 2 माइनस 4 का 4 माइनस 7 का 7 प्लस 1 का माइनस 1 4 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अगला स्टेप हमारा क्या है भाई नंबर लाइन प्लॉट करो। नंबर लाइन प्लॉट करके अब सारे पॉइंट्स को पहले वहां पे डालो तो माइनस 1 तो मेरा इधर चला जाएगा यहाँ पे 7 से स्टार्ट करना है मुझे ये 7 हो गया ये 4 हो गया ये 2 हो गया ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है नेक्स्ट देखना है कि यहाँ पे गोला भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है लेस देन इक्वल टू सो मैं क्या करूंगी गोले को भरूंगी तो सबको पहले आप लॉक लगा दो ठीक है। लॉक लगाने के बाद अब क्या करोगे प्लस माइनस का साइन देना है हमें ठीक है तो प्लस माइनस का साइन दोगे तो यहाँ पे मेरा ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो प्लस ही आना चाहिए क्योंकि स्टार्ट वैसे ही होता है बट देख लेते हैं इस इक्वेशन पुट करके 7 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो 8 ही ले लो नजदीक वाले नंबर को ले लेते हैं तो ये कितना होगा मेरा 8 माइनस 2 कितना और 6 हो जाएगा एंड 8 माइनस 4 4 हो जाएगा जो भी होगा वो 24 यानी कि मेरा पॉजिटिव में आएगा ये। इसी तरह यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और 9 भी मेरा पॉजिटिव में ही आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा मतलब कि सही किया है मैंने। अब 4 और 7 को अगर हम देखते हैं तो इनके बीच में आप एक वैल्यू ले लो यानी कि 6 ले लो 6 को करके देखोगे अगर 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हाँ 4 हो जाएगा और 6 माइनस 4 2 चलो ठीक है ये भी आपका पॉजिटिव में आएगा
और इस तरफ वाला क्या आएगा देन, 6 माइनस 7 1, 6 प्लस 1 7, ये भी आपका पॉजिटिव में आएगा। हाँ कभी कहीं पे कोई गलती किया है हमने, एक बार चेक कर लो। ट्रेंड ब्रेक 6 माइनस 7 माइनस 1 होगा। ओके 6 माइनस 7 माइनस 1 होगा एंड 6 प्लस 1 7 होगा, ठीक है चलो तो ये माइनस में आएगा। देखा इसी तरह से छोटा छोटा हो जाता है ना गलती कभी कभी, तो री चेक कर लेना चाहिए। तो माइनस हो गया, प्लस के बाद माइनस आ गया मेरा। अभी फिर 2 और 4 के बीच में 3 को ले लेते हैं, तो 3 को लेके अगर हम चेक करते हैं तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया है हमारा माइनस का वैल्यू। ठीक है और यहाँ पे क्या आएगा देन, 3 माइनस 7 आपका माइनस 4 हो जाएगा एंड 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, सो अगेन माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ये। अभी माइनस 1 2 1 ले लो, 1 सबसे आसान नंबर होता है लेने को, सो 1 माइनस 2 अगेन आपका माइनस 2, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 3। ठीक है माइनस, हाँ, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे वैसे भी प्लस ही हो जाना है, 5। ठीक है हाँ, देन यहाँ पे अगर आप 1 ले तो 1 माइनस 7 आपका कितना हो जाएगा माइनस 6 होगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, सो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा। ठीक है प्लस इंटू माइनस देन अगेन हमारा क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, देन माइनस 1 के इस तरफ का एक और नंबर अपने को लेना है, सो माइनस 2 ले लेते हैं। अगर आप अभी माइनस 2 लेके देख रहे हो तो माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका प्लस 4 हो जाएगा, और माइनस 2 माइनस 4 आपका कितना हो जाएगा माइनस 6। ओके सो ये एक्चुअली रहेगा तो माइनस में ही दोनों, लेकिन क्योंकि बीच में प्रोडक्ट का साइन है तो दोनों प्लस में आ जाएंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। मान लो 10 आया 20 आया, वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। x माइनस 7 यानी कि अगर आप माइनस 2 माइनस 7 कर रहे हो तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 9, और माइनस 2 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है अगेन यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो आपकी प्लस में बदल जाएगी, तो प्लस इंटू प्लस हो जाएगा, वैसे भी प्लस ही होता है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब हम लोग यहाँ पे भी सही चल रहे हैं, तो हमारा ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ है। अच्छा अभी बात करते हैं आंसर के बारे में, तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि माइनस इंफिनिटी और यहाँ पे इंफिनिटी को जरूर से मार्क कर देना होता है। तो आंसर क्या आ सकता है हमारा, एक बार सब अपने अपने दिमाग में सोच ले, पिछले पेज में ऑप्शन दिया है वहीं पे जाके आंसर देखेंगे। ये माइनस इंफिनिटी यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, इसको तो आपको लेना ही है। यहाँ पे 1 2 4 7 टू इंफिनिटी है, कौन सा आंसर ले सकते हैं हम लोग? माइनस इंफिनिटी टू 2, यूनियन में 4 टू इंफिनिटी, 4 टू इंफिनिटी लेने की क्या जरूरत है जब 7 वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम क्या लेंगे बच्चों, माइनस 1 से 7 तक की सारी वैल्यूज ले सकते हैं। यस मैम, यस मैम, ठीक है y माइनस 1 से 7 तक का ये हमारा क्लोज ब्रैकेट में आएगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 7 हम ले सकते हैं, जो कि हमारे पास ऑप्शन में है भी, देखो ये वाला, तो ये वाला तो मेरे हिसाब से सही है, बाकी आपके हिसाब से कोई और सजेशन है तो दे सकते हो। नहीं है कोई सजेशन, बाकी सब मेरे को तो सही भी नहीं लग रहा है, उसी वही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रैशनल इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी अभी रैशनल इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन नहीं आया है, वो तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में आएगा, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने सोचा करा दूं। तो है क्या ये हमारा एक्चुअली में x प्लस 2 देन x माइनस 1 द होल स्क्वायर x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो x x है मगर ये एक x स्क्वायर में आ गया है, डजंट मैटर, हम लोग क्या करेंगे जब वैल्यूज रखेंगे तो इसको स्क्वायर करके देख लेंगे। यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है हमारे लिए कि यहाँ पे अगर कोई माइनस वाली वैल्यू भी होगी तो वो स्क्वायर में जाके क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस में हो जाएगी, है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो माइनस में तो माइनस तो वैसे भी प्लस होता है, और स्क्वायरिंग कर देने से भी वो प्लस हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन एक बना लेते हैं,
उससे भी पहले वाला काम हमारा छूट गया है जो कि है क्रिटिकल पॉइंट्स को लिखना. सो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स अपने को कितने मिल गया, -2, और यहाँ से 1 मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा. तो मैंने प्लॉट कैसे करना है, -2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये हो गया आपका 5. ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी जो है, फिर से अपना वही पुराना मेथड, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस आएगा भी नहीं, ये भी चेक करना है आएगा कि नहीं आएगा. तो यहाँ पे मैं अगर 6 रखती हूँ तो कितना हो जाएगा मेरा, 6 + 2 = 8 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 6 - 1 आपका जो भी होगा, तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव. यस, 6 - 5 अगेन आपका पॉजिटिव में आ जाएगा. ठीक है, तो 3 पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव रखना मेरा सही है. 1 to 5 के बीच का वैल्यूज मुझे लेना है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 ले लेती हूँ, तो 4 + 2 आपका अगेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. 4 - 1 अगेन आपका क्या हो जाएगा, 4 - 1 = 3, यानी कि पॉजिटिव. 4 - 5 आपका -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा माइनस का वैल्यू आ जाएगा जो है. अच्छा, अभी 1 और -2 के बीच में रखना है, तो 1 और -2 के बीच में क्या रखें, 0 रख लें क्या, -1 yes, रखें तो लाख गुना बेटर है 0. yes, हाँ, माइनस वाली वैल्यू जल्दी सपोज नहीं करना चाहिए. सो अगर आप 0 रख लेते हो तो 0 + 2 आपका प्लस में आ जाएगा, 0 - 1 कितना हो जाएगा, ये भी प्लस में ही आएगा, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, 0 - 5 आपका -5 यानी कि माइनस. तो ये तो हमारा माइनस में आया ही था, अगेन ये भी आपका माइनस में आ गया, मतलब फिर से आपको यहाँ पे माइनस ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, चलिए प्लस माइनस माइनस आ गया, देखते हैं क्या कर सकते हैं ना, क्वेश्चन वही कर रहा है तो हमारे साथ. अभी फिर -2 की उधर का वैल्यू एक लेते हैं, -1 ले लो, तो -1 अगर ले रहे हैं, -1 + 2 कितना हो जाएगा आपका, +1 हो जाएगा, -1 - 2 - 2 का स्क्वायर यानी कि अगेन ये प्लस हो जाने वाला है, -1 - 5 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, है ना. एक बार साइन देख लो, क्या कुछ गलत उलत तो नहीं हुआ है, -1 - 1 - 2 का 2 होल स्क्वायर आपका अगेन 2 हो जाएगा. ठीक है, देन -1 - 5 कितना हो जाएगा आपका, जो भी आएगा वो माइनस में ही आएगा. तो बच्चों कैलकुलेशन सही है, तो मैं -3 लेना था, -1 नहीं. हाँ देखा, गलती पकड़ ली ना, -1 नहीं लेना था. क्यों नहीं लेना था ये भी बता दो अब, क्योंकि -1 -2 से बड़ा हो जाएगा, है ना. यस मैम. और माइनस में क्या होता है, जो नंबर बड़े होते हैं वो छोटे होते हैं. देखो हमने जल्दी जल्दी में, अब मेरे दिमाग में भी क्या है कि 1 तो 2 से छोटा है, तो चलो मैंने -1 ले लिया. और भला हो कि आपने ये चीज यहाँ पे नोट किया, वरना फिर सारे स्टूडेंट्स और मैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग तो कर ही जा रहे हैं आराम से मस्त में, और सोच रहे हैं कि यहाँ पे साइन क्यों नहीं मिल रहा है हमें. चलो ठीक है, अभी हम -3 लिख के करते हैं. अगर -3 रख रहे हो तो -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा. -3 - 1 - 4 - 2 -+ हो जाएगा. -3 - 5 आपका कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा. -(-) अगेन आपका प्लस हो जाएगा, तो +(+) आ जाएगा. अब जाके थोड़ी जान में जान आई अपनी कि हाँ फाइनली प्लस देखने को मिला है. तो +(-) ये एक ही चीज हो गया है कि यहाँ पे 2 माइनस आ गए. एनीवेज चलो हम वेव ही अपना बना देते हैं, यानी कि वेव बना देते हैं. सो वेव बनाऊंगी तो नेगेटिव का नीचे जाएगा, एंड एक और बार नीचे आपका जाएगा, यहाँ पे 0 लिया था ना हमने, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ ले जाओ आप. अच्छा यहाँ पे गोले का क्या करेंगे, भरेंगे कि नहीं भरेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू का है, तो भरे जाएंगे आराम से. यस मैम. भी आपको भर देना है, इसको भी भर देना है, इसको भी भर देना है आपको. और आंसर क्या लगता है बच्चों आपको, आंसर कौन सा हो सकता है, -1
माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू अगर ले लेते हैं और यूनियन में फाइव टू इंफिनिटी ले लेते हैं तो हमारे पास बीच में एक वन बच जाएगा, है ना। वन को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते हो, वन आपका बीच में इंक्लूडेड है, तो ये वाला तो मुझे नहीं लग रहा है। ये वाला अगर देखते हैं माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन में फाइव टू इंफिनिटी कर्ली ब्रैकेट में टू, अब बताओ ये टू कहाँ से आया, टू तो है ही नहीं इधर में, ये भी गया। अब x बिलोंग्स टू माइनस टू टू माइनस फाइव, माइनस फाइव तो है ही नहीं, मतलब कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस है, तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए वो भी तो पता करना अपने को। तो x बिलोंग्स टू, मैं यहाँ से ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी ले सकती हूँ, कॉमा माइनस टू क्लोज ब्रैकेट ले सकती हूँ, यूनियन में मैं क्या ले सकती हूँ बच्चों, फाइव टू इंफिनिटी में ले सकती हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. और एक चीज है कि मेरा वन बच रहा है तो वन को मैं इग्नोर नहीं कर सकती, जब भी आपका ऐसे डिस्क्रीट पॉइंट अगर बच रहा हो तो आप उसको यूनियन में कर्ली ब्रैकेट में ले लोगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में इसको आराम से आप ले लेना। चलो तो ये वाला हमारा हो गया है, लेकिन इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट मुझे आपको बताना है। ये हमने अभी उसी तरीके से सॉल्व किया जो हम करते आए हैं, कोई भी नया इसमें हमने मेथड नहीं अपनाया है, बट यहाँ पे एक स्लाइड मैंने ब्लैंक रखा है आपके लिए। और यहाँ पे मैं करने क्या वाली हूँ, सबसे पहले हमको एक नंबर लाइन लेना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आने वाले क्वेश्चंस में जहाँ पे बड़े बड़े पावर्स होंगे वहां पे बैठ के आप सोचना नहीं है आपको कि पावर 11 ये कितना होगा, देन पावर 7 कितना होगा, पावर 100, इतना टाइम नहीं हमारे पास सोचने का। तो उसके लिए एक ट्रिक बताया जाता है वेवी कर्व मेथड में, जो अब मैं आपको बता रही हूँ। टाइम आ गया है, सो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, माइनस टू वन फाइव हमारे, ठीक है, माइनस टू वन और फाइव। और एक चीज हमें क्या चाहिए, इक्वेशन एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन स्क्वायर एक्स माइनस फाइव, एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन स्क्वायर और एक्स माइनस फाइव, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एनीथिंग एल्स नहीं, यहाँ से अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हम अभी तक यही करते आ रहे थे प्लस माइनस चेक करने के लिए, यहाँ पे वैल्यू रख रख के हम देख रहे थे। बट अब जब आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं आप खुद से सोचो, आपके मन में भी कॉन्फिडेंस आ गया है कि प्लस माइनस का वेवी कर्व का आपका एक ट्रेंड चलता आ रहा है, जो कि बहुत ही रेयरली क्वेश्चंस में जो है ब्रेक होता है। कभी कभी बीच में दो बार माइनस आ जाते हैं, दो बार प्लस आ जाते हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। सो प्लस से ही स्टार्ट करना है हमें, क्योंकि प्लस से स्टार्ट होती है वैल्यू। प्लस से स्टार्ट करने के बाद इस फाइव को देखो, पहले क्रिटिकल पॉइंट को देखो, ये किस ब्रैकेट से आया है हमारा, तो ये आया है हमारा x माइनस फाइव से। x माइनस फाइव की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो वन है, जीरो तो ले नहीं सकते, कुछ नहीं है तो यहाँ पे वन है, इसका टू है, इसका वन है, इसका भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो प्लस तो गया, अब फाइव, फाइव को अगर आप देखोगे तो इस ब्रैकेट से इसकी पावर क्या है, ऑड है। तो बच्चों एक चीज याद रखो, अगर पावर ऑड में है तो साइन चेंज होगा, यानी कि मैं यहाँ पे आराम से माइनस लिख दूंगी, ठीक है। मैं आपको ये ट्रिक लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर आपका ऑड में पावर है तो साइन आपका क्या होगा, चेंज होगा, मतलब प्लस है तो माइनस कर देना, फिर माइनस के बाद प्लस ले लेना, ऐसे चेंज करते जाना पावर देख करके। लेकिन अगर आपका पावर इवन है तो आपका साइन जो होगा वो रिमेन्स सेम, यानी कि आपका चेंज नहीं होगा इवन में। सो ये मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब वन को देखो, वन किस ब्रैकेट से आया है, इस ब्रैकेट से आया है, इसकी पावर क्या है, इवन है, मतलब मैं इसको मेंटेन रखूंगी, ठीक है। यस मैम, हाँ मेंटेन में रखूंगी। उसके बाद क्या करूंगी, ये x प्लस टू, यानी कि x प्लस टू कहाँ से आया, मेरा इस वाले से आया है, तो ये भी अगेन मेरा ऑड हो जाएगा। ऑड मतलब कि मैंने साइन चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन प्लस आ जाएगा मेरा। तो मैंने जो है
सामने में जो किया था प्लस से स्टार्ट करके प्लस पे मेरा खत्म हुआ था, बीच में माइनस, देख रहे हो? मतलब हमने सही प्रोसीजर फॉलो किया है, ठीक है? यस मैम। हाँ जस्ट अ मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा एक मिनट देखना, कोई स्टूडेंट एडमिट होने की कोशिश कर रहा है क्या? ओके फाइन, ठीक है, हो गया ये मेरा। अच्छा तो मेरे को एक चीज क्या समझ में आया कि अगर मैं थोड़ा ट्रिक से भी काम लेती हूँ तो मेरे आंसर गलत नहीं आएंगे, है ना? एक बार फिर से अगर आपको डाउट हो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, बट इतने भारी भारी नंबर्स आपके सामने आएंगे कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा बैठ के सबको कैलकुलेट करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर तो ऑलरेडी हमें पता ही है। देखो मैं जैसे आपको बता रही थी तो रैशनल वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, इसको देखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बच्चों, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करोगे आप? मेरी सबसे पहले आपको एडवाइस होगी कि सबका पावर देख लो, जिसमें पावर नहीं है उसमें खुद से लिख दो। इसीलिए कहा जाता है क्वेश्चन को अपने हाथों से लिखो। x प्लस वन की पावर है 4, x प्लस थ्री की पावर क्या है 1 हो जाएगी आपकी, देन अपॉन में आपका ये क्या है x माइनस टू की पावर है 3, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर 2 प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका हो जाएगा। ओके फाइन, यही एक स्लाइड है हमारे पास अभी, ठीक है, इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। हाँ उसके बाद बच्चों जब भी आपके पास ऐसा अगर रैशनल का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें क्या करते हो, आपको इसको अगर सॉल्व करने दे दिया जाए पी अपॉन क्यू को, तो कुछ तो आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा, मुझे जस्ट एक आइडिया बता दो, बस आपसे जानना है। मैम डिनोमिनेटर को दूसरी साइड ले जाएंगे। हाँ एक बच्चे ने बोला डिनोमिनेटर को दूसरी साइड ले जाएंगे, और किसी बच्चे का कोई रेस्पॉन्स? ठीक है चलो, डिनोमिनेटर को आपके अकॉर्डिंग हम उस तरफ लेकर जाएंगे। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, जो अभी तक हम करते आए हैं, इस कंसेप्ट को यहाँ पे जरा सोच समझ के यूज करना। पहली चीज तो ऐसी गलती किया ही मत करना, ठीक है? आप डिनोमिनेटर को उस तरफ लेके जाने का ज्यादा सोचना मत, क्योंकि आप उस तरफ अगर लेकर जाते हो तो याद रखना अगर एक्स की जगह पे कोई माइनस का आ गया ना आपका नंबर, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है? और हम इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने का रिस्क नहीं ले सकते, हमें लेना ही नहीं रिस्क, क्यों लेना है, जितना हो सके आराम से चलना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट अपने दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकाल दिया करो जब भी आप वेवी कर्व मेथड करते हो तो। मगर ये मेरी आपको पहली एडवाइस थी। दूसरी एडवाइस क्या है कि इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेफ जोन में हो। क्यों पूछो? क्योंकि x है, ये भी x है, मगर ये x स्क्वायर है। तो मान लो अगर माइनस में भी आता है कोई नंबर तो उधर लेकर के जाओगे तो वो प्लस ही हो जाना है, हम रिस्क में नहीं रहेंगे, है ना? जीरो से मल्टीप्लाई होगा वो तो बात अलग है, लेकिन आप जब माइनस वाले नंबर को उधर लेकर जाओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा सेम रहेगा, तो हम इसको उस तरफ लेकर के जा सकते हैं। एनी क्वेरीज, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? ठीक है, ओके स्टूडेंट, अगर नहीं है तो चलो लेकर जाते हैं फिर। x प्लस वन ये 4 हो गया आपका, x प्लस 3 का 1 हो गया, अपॉन देन x माइनस 2 का 3 हो गया। इसको आप अगर वहां पर लेकर जा रहे हो तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। इतने ही चीजें हमारे पास बची हैं अभी। So, यहां से मैं अगर अपना क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूं तो क्या होगा भाई? क्रिटिकल पॉइंट मेरा पहला वाला क्या आएगा, माइनस वन आएगा, माइनस थ्री आएगा। ओके फाइन, और यहां से क्या आ जाएगा मेरा, प्लस टू आ जाएगा। सो इसको नंबर लाइन पे मैं जस्ट प्लॉट कर देती हूँ पहले। माइनस थ्री, माइनस वन, प्लस टू, और ये मेरा इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी। ठीक
अभी yes, हाँ अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में ट्रिक देखा था, तो जब ट्रिक देखा है तो सीधे सीधे हम लोग ट्रिक में आएंगे। तो यहाँ पे तो मेरा प्लस से स्टार्ट होगा, टू किस ब्रैकेट से आया है, उसका पावर है ऑड, ऑड है यानी कि मैं यहाँ पे माइनस लिख दूंगी, साइन चेंज होगा। माइनस वन किस ब्रैकेट से आया है, उसका पावर है इवन, इवन है मतलब कि साइन चेंज नहीं होगा यानी कि माइनस ही रहेगा। अच्छा थ्री कहाँ से आया है, थ्री आया है मेरा वन से यानी कि ऑड से, तो फिर से मेरा यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही जगह पे हमारा इवन से आया था, वहां पे हम साइन चेंज नहीं कर पाए, बाकी जगह पे साइन चेंज हुआ है। सो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो आंसर क्या लगता है आपको क्या होगा? चार आंसर्स है, चार ऑप्शन है आपके पास। सी होगा क्योंकि माइनस इंफिनिटी माइनस थ्री ले रहे हो आप, एंड देन टू से इंफिनिटी और यूनियन में आपने माइनस वन को रखा है। ओके ठीक है, आंसर बताने से पहले एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। हम लोग ये डिसाइड करते हैं ना कि गोला भरना है कि नहीं भरना है, वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी देख के डिसाइड करते हैं। मगर बच्चों ये जो डिनोमिनेटर वाला आपका जो होता है केस, ठीक है, जहाँ पे आपके डिनोमिनेटर में भी एक आपका वेरिएबल होता है जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। यस मैम, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, आपने जो बोला बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं क्या बताना आपको चाहती हूँ कि इंक्लूड नहीं करने का मतलब हमारा क्या हो जाता है कि यहाँ पे मैं हॉलो ब्रैकेट रखूंगी और इन दोनों पे मैं क्या रखूंगी, जो है क्लोज्ड ब्रैकेट रखूंगी, ये मेरा हॉलो रहेगा। ये बस नाम का होता है कि इंक्लूड नहीं करना है, बट अभी आप क्या बोलोगे कि मैम फिर भी तो आपने आंसर में तो टू हमें लेना ही है ना, अपने आंसर में लेना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पे भी आपका साइन बना हुआ है। सो आपका ये यहाँ पे जाएगा ही जाएगा और ये भी आपका इस तरफ जाएगा ही जाएगा, लेकिन इस रीजन को भी हम इंक्लूड करेंगे यानी कि आपका ये जो प्लस वन वाला रीजन है ये भी इंक्लूडेड होगा जैसे कि पहले हमने किया था। समझे बच्चों बात, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नो मैम, नो मैम। ओके फाइन, एक्चुअली मैं स्टूडेंट, हुआ क्या है ना कि एक स्टूडेंट है हमारी क्लास का जो कि बार बार क्लास में एडमिट होने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, और वो एडमिट हो नहीं पा रहे हैं, तो जस्ट मैं उन्हीं के लिए क्या करूंगी अभी ऑटो एडमिट का फिर से एक बार ट्राई कर लेती हूँ। सो बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे थे, मैंने सोचा उनका क्लास मिस हो जाएगा इसलिए मैं चेक कर रही थी। नाउ आई विश कि वो शायद ज्वाइन कर पाए। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके सामने बड़े बड़े पावर्स ही हैं। तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट निकालने होंगे, ठीक है। अभी तक हम जैसे करते आए हैं क्रिटिकल पॉइंट्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे तो सोचना भी मत कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का सवाल ही नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर है भी तो ऊपर है, उसको वहीं रहने दो। तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे क्या होंगे, जीरो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, जीरो होगा ना, कुछ भी नहीं है वहां पे तो। यस मैम, प्लस वन वाला क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका माइनस टू वाला क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, कॉमा प्लस फोर वाला माइनस फोर हो जाएगा, प्लस सेवन माइनस सेवन माइनस फाइव आपका प्लस फाइव हो जाएगा। उसके बाद जब मैं इसको नंबर लाइन पे बनाऊंगी, ये इंफिनिटी एंड ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा हमारा, तो जीरो को पहले ले लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाएगी, टू फाइव यानी कि इधर मेरा टू आएगा इधर फाइव आएगा,
इधर क्या क्या आएगा भाई, माइनस वन आएगा, माइनस फोर आएगा और माइनस सेवन आएगा। एक बार आप लोग भी चेक कर लेना कि सही से लिख रहे हैं ना। हाँ सही से तो लिख ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा 0 2 5, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, जो है ट्रेंड को फॉलो करना है लेकिन इसके पावर को देखते हुए। तो यहाँ पे तो मेरा प्लस ही हो जाना है, पहला वाला पॉइंट प्लस हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या बचेगा, देन 5 किस ब्रैकेट से आया है, उसका पावर क्या है, ऑड है यानी कि चेंज करूंगी मैं। 2 किस ब्रैकेट से आया है, 2 आया कहाँ से है, इवन से आया है, मतलब चेंज नहीं करूंगी, माइनस ही रहने दूंगी। 0 कहाँ से आया है, वो भी इवन से आया है, वो भी माइनस रहने दूंगी। माइनस 1 कहाँ से आया है, वो भी इवन से आया है, ये भी माइनस 1। यहाँ पे तो प्लस देखने को ही नहीं मिल रहा है दूर दूर तक। अच्छा माइनस 4 कहाँ से आया है, हाँ फाइनली ये ऑड से आया है तो ये मेरा प्लस हो जाएगा। माइनस 7 कहाँ से आया है, ये भी है ना। प्लस देखने के बाद अलग ही खुशी होती है, माइनस माइनस चलता जाता है तो टेंशन होने लगता है कि होने क्या वाला है आगे, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब ओके फाइन, अब यहाँ पे हमने आंसर में क्या लेना है, उससे आंसर लेने से पहले गोले भरने हैं कि नहीं भरने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, 4 डिनोमिनेटर में है, 7 है और 5 है, तो इन तीनों का गोला भरना मत, हॉलो सर्कल रखना। 4 और 7 कहाँ गया, इसका भी हॉलो सर्कल, और 5 कहाँ गया, इसका भी हॉलो सर्कल, ठीक है। ये गोला मत भरना, बाकी इन तीनों का आप भर देना। तो जब आंसर लिखेंगे हम तो x belongs to minus 7 to minus 4, यानी कि आपका ये वाला included होगा region। उसके बाद minus 1, 0 और 2, ये वाले तीनों included होंगे, और यहाँ से ये इस तरफ जाएगा यानी कि 5 से लेके infinity तक। तो अब आप बताइए कि आपको कौन सा option सही लगता है। ए ऑप्शन में, यस ए ही सही सबको लग रहा है, सो फाइन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। रैशनल में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लिए, क्यों, क्योंकि मुझे मेन आपको ट्रिक बताना था, पावर बताना था, बाकी सारे तो आप ऐसे ही सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा है आपका, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर 2/x इज लेस देन इक्वल टू 9। चलो भाई इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2/x is less than equal to 9. Again, यहाँ पे 9 ने आके अभी problem create कर दिया है, क्योंकि हमें चाहिए 0. मैंने आपको क्या बताया था कि cross multiply नहीं करना है. So I hope यहाँ पे भी आप सोच नहीं रहे होंगे cross multiply करने का. जब cross multiply नहीं करोगे, variable को तो खास कर मत करना, x को तो बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। variable को दोनों तरफ से हम लोग cancel नहीं करते हैं जल्दी यहाँ पर। दोनों तरफ से वेरिएबल कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, ओनली नंबर बचेगा, फिर इक्वेशन ही नहीं बनेगा, तो पुट कहाँ करोगे वैल्यू, तो ये आपका वैलिड ही नहीं होगा, वे भी कर भी यहीं पे हो जाएगा ठप आपका, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं इस केस में, 2/x, 9 को इधर लेकर आ जाती हूँ मैं, अगर मैं 9 को यहाँ लेकर आ रही हूँ लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगी मैं, एलसीएम लूंगी, ठीक है, बचपन की प्रोसेस। 2 - 9x/x, यही मेरा एलसीएम होगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करूंगी बच्चों, -9x 2 पहले एंड -9x बाद में है, तो मुझे क्या करना है, इस कोएफिशिएंट के माइनस को प्लस में बदलना है, मतलब साइन चेंज करना है, तो मैं थ्रू आउट क्या कर दूंगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 9x - 2/x, ठीक है। लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो मेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यस, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से माइनस लिया है, लेना जरूरी था मुझे इसीलिए मैंने लिया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, एक्स के कोएफिशिएंट को हटाने की कोशिश करूंगी मैं। अगर मैं हटाने की कोशिश करती हूँ तो 9 को अगर मैं बाहर ले रही हूँ तो ये मेरा x/9 हो जाएगा, अंदर में -2/9 हो जाएगा, एंड देन ये x हो जाएगा,
एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो वैसे भी मेरा जीरो ही रहना है, तो ये बस नाइन और नाइन कट जाएंगे मेरे, तो मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस टू अपॉन नाइन, ठीक है, x माइनस टू अपॉन नाइन मेरा बचेगा, नीचे क्या बचेगा, x माइनस कुछ नहीं है तो जीरो है, अब कुछ नहीं है तो वन मत ले लेना अपने आप से, डिग्री की बात अलग होती है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अपने को जीरो लेना पड़ेगा, हालांकि इसकी पावर वन है, इसकी भी पावर वन है, ठीक है, तो यहां से मेरी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आर क्या हो जाएंगे भाई, टू अपॉन नाइन हो जाएंगे और जीरो हो जाएगा मेरा, दो ही आएगा, तो बहुत इजी सा इसका ग्राफ बनेगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, भूलना मत कभी भी मार्क करना, सबसे पहले उसी को किया करो, देख लो टू अपॉन नाइन मैंने इस तरफ लिख दिया, ये जीरो और ये मेरा टू अपॉन नाइन, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, पावर ऑड है, तो ये अगर मैंने प्लस से शुरू किया तो ये मेरा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और मेरा वेव कैसे बनेगा, ठीक है, ऐसे ही बनेगा, और जहां तक गोले को भरने की बात आ रही है तो क्या करोगे आप, एक गोले को हॉलो रखोगे और दूसरे को भर दोगे, यानी कि इसको हॉलो रखो और इसको भर दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कोई आंसर सोच के मुझे बताए, अब तो इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, आपका बोलना बहुत जरूरी है, चुप मत रहिए, कुछ भी बोलिए, आंसर माइनस इंफिनिटी है यहाँ पे, मैक्स बिलोंग्स जीरो है, टू अपॉन नाइन, मैक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी, जीरो यूनियन टू बाय नाइन एंड प्लस इंफिनिटी, ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू जीरो आप लोगे एंड देन क्या बोल रहे हो, यूनियन में लोगे टू अपॉन नाइन और इंफिनिटी, है ना, यस मैम, क्योंकि ये वाला रीजन भी इंक्लूड हो रहा है, ये वाला रीजन भी इंक्लूड हो रहा है हमारा, ठीक है, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे जो आपने बोला वो सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अब कौन सा क्वेश्चन है हमारे सामने, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा आपको कराना जरूरी रहेगा, क्या है द इंटीजर के फॉर विच द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस टू थ्री के माइनस वन एक्स प्लस एक्स 8k स्क्वायर माइनस 7, तो ये हमारा रैशनल के फॉर्म में तो है नहीं पहली बात, दूसरी बात है इसको देख के क्या समझ में आता है कि कुछ तो सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, सो x स्क्वायर माइनस 2 3k माइनस 1 x प्लस 8k स्क्वायर माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अगर ऐसे देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, ये इक्वेशन कहीं देखा है, कहीं जाना पहचाना इक्वेशन लग रहा है, ये क्या है जो मैंने लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, हमको सपोज करना है इस इक्वेशन को, अब हमको क्या पता है एक चीज कि डिस्क्रिमिनेंट मेरा जीरो से लेस होगा, लेस होगा तभी तो जब आप यहाँ पे बनाते हो जो ग्राफ बनता है वो आपके एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है ना, पॉजिटिव में चला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन जीरो होगा, तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर तब ग्राफ बनता है आपका, ये कंसेप्ट आपने क्वाड्रेटिक में सीखा था, तो अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगी आपको पूरा ग्राफ बताने के लिए, बेसिकली बोलने का मेरा मतलब है यहाँ पे समझो कि डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो से छोटा है, तो डिस्क्रिमिनेंट का एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, इस वाले कंसेप्ट को अगर हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो हम किस तरह का इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर मैं लेती हूँ तो मैं क्या ले सकती हूँ, माइनस टू से मैं स्टार्ट करूंगी, ये ए एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर दूंगी ना, एक्स स्क्वायर को नहीं लूंगी, माइनस टू
थ्री के माइनस वन द होल स्क्वायर मैं कर सकती हूँ ऐसा, माइनस फोर एट के स्क्वायर माइनस सेवन इज लेस देन जीरो। आप जब भी इसको मतलब ध्यान से देखोगे आपको खुद ही दिख जाएगा जो मैंने यहाँ पे किया है। अब जब सॉल्व करने की पारी आती है तो माइनस में ये होल स्क्वायर है तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, टू टू जा मेरा फोर हो जाएगा, यानी कि फोर यहाँ पे नाइन के स्क्वायर ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी और कुछ नहीं, तो नाइन के स्क्वायर प्लस वन माइनस सिक्स के हो जाएगा मेरा, ठीक है, ए माइनस बी, थ्री थ्री जा नाइन एंड थ्री टू जा सिक्स, ठीक है। सो माइनस यहाँ पे मैं क्या करूंगी, थर्टी टू के स्क्वायर माइनस 28 माइनस इनटू माइनस प्लस 28 इज लेस देन जीरो। देन अगेन यहाँ पे मैंने क्या करना है, 36 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 के क्या हो जाएगा, माइनस 24 के, माइनस 32 के स्क्वायर प्लस 28 लेस देन जीरो, ठीक है, सब सही तरीके से जा रहे हैं। हाँ 36 के स्क्वायर 32 के स्क्वायर ये मेरा कितना बचा, 4 के स्क्वायर माइनस 24k प्लस 28 लेस देन जीरो। अब इसको मैं क्या करूंगी, अपने पुराने वाले मेथड में आ जाऊंगी जो कि फैक्टराइज करने वाला है, सो k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8 इज लेस देन जीरो, देन क्या हो जाएगा ये मेरा k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2k, 4 प्लस 2 आपका 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 4 टू द 8 भी होता है, सो प्लस 8 लेस देन 0। फोर टू लिया था ना हमने, सो के माइनस 2 हो जाएगा एंड 8 क्या हो जाएगा, के माइनस 4 हो जाएगा लेस देन 0, दोनों की पावर 1 है, तो आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आर 2, 4, मेरे हिसाब से तो यही होगा, आपके हिसाब से भी यही होना चाहिए, 2 और 4 है अगर तो ये मेरा इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये मेरा 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो मेरे को क्या करना है, लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, और सबके पावर ऑड है तो मैं आंख बंद करके यहाँ पे प्लस माइनस आराम से लिख सकती हूँ, यस मैम, प्लस माइनस, और इस तरफ भी अगर ये आता है तो ये प्लस ही हो जाएगा, और ये वाला भी मेरा गोला नहीं भरेगा, मतलब ये भी हॉलो सर्कल होगा और ये भी हॉलो सर्कल होगा, तो मेरे को 2 और 4 के बीच का रीजन मोस्टली इंक्लूड करना है। इसका आंसर अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स तो है नहीं इधर, तो के बिलोंग्स टू 2, 4, ये होगा इसका आंसर, इंफिनिटी वाला नहीं इंक्लूड करेंगे, माइनस इंफिनिटी का तो सवाल ही नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया वो कैलकुलेशन की वजह से, एल्स ये ठीक था मतलब, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में अगर हम बढ़ते हैं, अच्छा अब ये किस तरह का सॉल्यूशन आपके सामने आया है, सॉल्यूशन सेट ऑफ, चलो देखते हैं जो भी होगा करके देखना पड़ेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन ये एक आ गया है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सेवन इज लेस देन माइनस फाइव, अच्छा ठीक है, ये कुछ कुछ वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह लग रहा है ना, जो होमवर्क वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था उसी तरीके का लग रहा है, तो थोड़ा बहुत तो उसी, हाँ मैम बोल के चुप हो गए लोग, यहाँ मैं बैठी हूँ कि कोई कुछ बोलेगा, ठीक है छोड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सेवन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आपका दोनों में ही कॉमन है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, टी ले सकते हैं, टी सपोज कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या सोच, यस तो मैं क्या सोच रही हूँ ना, यहाँ पे वो लेंदी हो जाएगा, उससे अच्छा है मैं यहाँ पे क्या सोच रही हूँ, इस पूरे को ही टी अगर सपोज कर ले, एक को टी सपोज करते हैं तो दूसरे वाले को भी सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा,
एंड माइनस फाइव को इस तरफ लेकर आएंगे। चलो देखते हैं जो मैं सोच रही हूँ वो काम करता है कि नहीं, नहीं करेगा तो पहले वाले मेथड पे आते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू, अगर मैं टी लेती हूँ ठीक है, तो क्या होगा मेरा, ये वाला तो पूरा टी हो जाएगा ठीक है, पहला वाला मेरा हो गया टी। अभी ये क्या हो जाएगा, क्योंकि बच्चों देखो मैंने पहले वाले पूरे को टी ले लिया यहाँ पे, तो अगर मैं पूरे पहले वाले को टी ले रही हूँ तो दूसरे वाले में भी तो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ रहा है, ये जो मैंने लिया है, बच क्या रहा है माइनस वन की जगह पे यहाँ पे माइनस सेवन है, तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती कि हाँ दूसरे वाले में तो माइनस सेवन है ना, वन तो है नहीं, तो मेरे को क्या मतलब पूरा उठा के लिख दो, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, हम लोगों को इसको यहाँ पे भी सपोज करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मेरा यहाँ पे हो गया, अब हमारे पास पंगा किस चीज का आ रहा है, माइनस वन और माइनस सेवन का आ रहा है, तो सेवन में से वन को घटा देंगे अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, सिक्स आएगा। यस मैम, है ना, सो ये तो मेरा टी आएगा ही आएगा ठीक है, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा। प्लस कैसे होगा, जब सेवन में से वन घटा रहे हो तो माइनस में ही रहेगा ना। यस मैम, बोलोगे कि मैम आप ही तो बोल रहे हो प्लस, हम तो बोल ही नहीं रहे हैं, एक्चुअली मैं प्रोडक्ट देख रही थी वहां पे ठीक है। सो टी माइनस सिक्स एंड यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू फाइव, माइनस फाइव है वो भी देख लो, तो मैं माइनस फाइव को एक काम करती हूँ इसी स्टेप में इस तरफ लेकर ही आ जाती हूँ, आखिर तो मेरे को लाना ही है ठीक है। ये हमारा कुछ इक्वेशन बना, किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो अभी पूछ ले मेरे से, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये माइनस फाइव लेके आए हम, तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस फाइव में था और आप माइनस फाइव को जो है इक्वल्स टू के इस तरफ लेकर आए हो ठीक है। आप यहाँ से मतलब आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो अगर कोई चीज माइनस में जाता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, साइन को चेंज करते हैं राइट, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करते हैं, बट यहाँ पे ये माइनस फाइव से आप इसको प्लस में लेकर आए हो तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा, इट्स वेरी सिंपल ना, आप माइनस में तो नहीं लेकर जा रहे हो, माइनस से प्लस में लेकर आ रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्यों चेंज होगा, जबरदस्ती को क्यों चेंज करना है ठीक है। यस मैम, हाँ जी, थोड़ा समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी स्कूल भी होती है, बट क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि बिना समझाए काम ही नहीं चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपना स्पीड बढ़ाती हूँ। सो ये क्या हो जाएगा मेरा, टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी प्लस फाइव इज लेस देन जीरो, फिर यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, फाइव है यानी कि फाइव वन जो फाइव और सिक्स हो जाएगा, सो टी माइनस वन में ले सकती हूँ और टी माइनस फाइव में ले सकती हूँ, मैं डर डर के ले रही थी बट अब डरने की जरूरत नहीं है, डर वाला स्टेज पार हो गया ठीक है। वन और फाइव है यानी कि मेरा क्या है, वन इज लेस देन टी, वन टी से छोटा होगा और जो मेरा टी होगा वो फाइव से छोटा होगा ठीक है। सो अब आप बोलोगे कि मैम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने थे हमको यहाँ से, यस ऑफ कोर्स हमको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने थे, तो क्या मिलते, वन मिलता और फाइव मिलता ना ठीक है, उसको भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। उससे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ना थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा दूसरे तरीके से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, वन इज लेस देन टी एंड टी इज लेस देन फाइव, तो इसको अगर मैं आपको बोलूं कि मैं केस वन अगर इसका ले लूं, यहीं पे कर देती हूँ आपके सामने ही, केस वन ठीक है, फर्स्ट केस में मैं क्या ले रही हूँ, जब मेरा टी ग्रेटर है वन से, टी तो बड़ा ही हुआ वन से, बस मैंने टी को पहले लिख दिया और वन को बाद में लिख दिया, तो टी अगर मेरा ग्रेटर है तो मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन वन ठीक है। ये मेरा टी सपोज किया था मैंने, तो टी की जगह पे मैंने उठा के इस इक्वेशन को रख दिया जो कि मेरा ग्रेटर देन वन है
अब मैं क्या करूंगी, इसका दूसरा स्टेप मैंने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्या हो जाएगा। चलो ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो आप लोग, आई थिंक कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कहां से क्या आगे। ठीक है, केस वन को मैंने ऐसे रख दिया, अब केस टू को अगर मैं ले लेती हूँ, तो केस टू में मेरे को क्या पता है कि टी मेरा लेस देन फाइव है। ठीक है, अगर टी मेरा लेस देन फाइव होगा तो मैं क्या करूंगी बच्चों, देन टी की जगह पे अगेन वैल्यू पुट करूंगी, है ना। तो yes, टी की जगह पे क्या वैल्यू है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज लेस देन फाइव। ठीक है, ये मेरा टी है। तो अगर ये जो मेरा t है, देखो ये t माइनस फाइव और ये t माइनस वन है, मैंने इसके बाद ही ऑल ऑफ ए सडन ये स्टेप में लेकर आई थी और केस वन और केस टू में लेने लगी थी। तो ये वाला जो केस वन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, अगर आप t की जगह पे इस वैल्यू को पुट करते हो तो t तो है ही ऑलरेडी, माइनस वन के बाद एक एक्स्ट्रा क्या है आपके पास, और एक माइनस वन आ जा रहा है, तो माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। मैं उसी की बात कर रही थी, टी की जगह पे इस वैल्यू को अगर आप पुट करोगे तो आपका माइनस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। यानी कि और एक चीज क्या है, टी माइनस फाइव, तो टी ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस फाइव, तो माइनस वन माइनस फाइव आपका क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब आप फाइनल फैक्टराइजेशन कर सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इतना क्यों कंफ्यूज कर रहे हो हमें, क्या जरूरत है हमें ये सब करने की। बच्चों देखो, जरूरत तो है आपको ये सब करने की, क्योंकि आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, होमवर्क वाला क्वेश्चन उठा करके, हमने टी लेके जरूर किया था लेकिन अंत में जाके टी की वैल्यू भी पुट करी थी। तो जब टी की वैल्यू पुट की थी तो हमको एक अलग इक्वेशन आया था, उसके बाद लास्ट में फैक्टराइज किया था। मेरी बात को आप जा करके ध्यान देना, इसलिए मैंने केस वन केस टू लेके यहाँ सॉल्व करके दिखाया है कि फाइनली तो आपको टी का जो घर है उसको उसके घर में भेजना ही पड़ेगा। तो घर में भेजने से पहले खातिरदारी करनी पड़ेगी उसकी अच्छे से, तो हम खातिरदारी यहीं पे करके फिर घर भेजते हैं उसको। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अभी ठीक है? नो मैम। यस मैम। नो मैम। नहीं ठीक। अच्छा, क्यों ठीक नहीं है वो भी बताओ, बताओ मुझे, बोलो। वन की जगह जीरो आएगा। यस, मैंने पहले जो लिखा था जीरो वो सही था, इसका मतलब। ठीक है, अच्छा क्यों जीरो आएगा, अभी कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके दिमाग में, क्यों जीरो आएगा, क्योंकि वन को इस तरफ ले आए हम माइनस वन, अब ये इस तरफ लेकर आ गए हो तो ये भी टू हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीका वैलिड है हमारा, आप वन को जब इस तरफ लेकर आ रहे हो तो टू हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे रख के दिखाया, मेरा मेन वैल्यू आपको समझाने का यहाँ पे है कि टी की जगह पे हम उसके जो असल वैल्यू है उसको रखेंगे। ठीक है, चलो बातें हो गई, अब हम थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देन अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेस देन जीरो हो जाएगा ये। तो अपने को दोनों इक्वेशन मिल चुके हैं, तो एक स्लाइड रखा है इसके लिए मैंने, यहाँ पे दोनों इक्वेशन हम लिखते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं क्या करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, यही मेरा पहला इक्वेशन था ग्रेटर देन जीरो। इसको अगर मैं फैक्टराइज करने जाऊं तो टू वन जर टू होता है, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, दूसरा इक्वेशन लोगे। दूसरा इक्वेशन था क्या मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो। सो ये क्या हो जाएगा मेरा, अगेन देन एक्स प्लस टू। ठीक है,
टू थ्री जा सिक्स होता है, देन एक्स माइनस थ्री इज लेस देन जीरो. तो क्रिटिकल पॉइंट्स बच्चे मेरे को क्या मिल जाएंगे, यहाँ से तो आपको माइनस टू कॉमा थ्री मिल जाएगा, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल जाएगा, माइनस वन कॉमा टू मिल जाएगा. ठीक है, अब आप इसको आई थिंक प्लॉट तो कर ही लोगे. तो मान लो ऐसे एक नंबर लाइन आपने बनाया, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, और माइनस माइनस प्लस थ्री यस हो जाएगा. एंड यहाँ पे तो आपको हॉलो ब्रैकेट ही हॉलो सर्कल ही रखना पड़ेगा आपका. ट्रेंड को यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि सबका पावर तो वन ही यानी कि ऑड ही है आपका. फिर भी चाहो तो एक बार वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी होगी एक बार कर लेना. एंड देन एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस इंफिनिटी टू, ठीक है, देन यहाँ से थ्री इंफिनिटी, यूनियन में क्या आ जाएगा आपका, माइनस वन और टू. या तो ये वाला आंसर अगर आपको नहीं सही लग रहा है तो क्या कर सकते हैं हम, हमने ये सारी यहाँ की ली हुई हैं, सबको इंक्लूड किया है, तो हमारा x बिलोंग्स टू क्या हो सकता है बच्चों, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. वाह, प्लस इंफिनिटी, ऐसा आंसर देखा है कहीं पे? नो मैम. नहीं देखा है, लेकिन हम शायद अपने क्लास में सब कुछ देखने वाले हैं. ऐसा नहीं होगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कैसे ले लेंगे, तो हमको माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू तो लेना ही पड़ेगा. उसके बाद मेरा यूनियन में क्या आ जाएगा, यूनियन में माइनस टू के बाद माइनस वन भी है, इसको क्यों इग्नोर कर रहे हो, माइनस वन नहीं ले सकते हो इंफिनिटी के संग, नहीं ले सकते हैं क्या, क्या बोल रहे हो आप लोग, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो, ले सकते हैं. मेरी हाँ में हाँ मत मिलाओ ना, मेरी हाँ में हाँ मिलाना तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती, यही आंसर है, मैं तो आप लोगों के साथ आंसर निकाल रही हूँ. तो माइनस वन लिख सकते हैं, यस मैम. यूनियन में देन क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं टू टू इंफिनिटी, ठीक है. किसी को कोई डाउट है तो अभी बोल सकता है मेरे से. अब टू को सोचोगे कि मैं टू को अलग स्पेशल ट्रीटमेंट दूं, टू को अलग से लिखूं, अलग से अगर लिखना चाहते हो तो अलग से भी करली ब्रैकेट में लिख दो आप, थ्री टू इंफिनिटी ले लो, पर क्या वो सही होगा, सही होगा बच्चों? देखो मैं आपसे क्यों बार बार यहाँ पे पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को तसल्ली देनी है कि आपको आंसर निकालने का क्या कंसेप्ट है आपके पास, मैं ये जानना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ. ठीक है, ये एक बच गया ना, बट इस रीजन को भी तो इंक्लूड करना है, तो क्या करोगे? आप कुछ सही लग रहा है क्वेश्चन? यस मैम. एवरीवन एग्रीज, सारे लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्लास इंटरेस्टिंग yes, है क्या या फिर क्या है? यस मैम. अच्छा ठीक है, चलो सब सेटिस्फाइड है, मतलब कि हमने सही किया है. बच्चों अब मैं आपका क्लास यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है. क्या कितने क्वेश्चन बच गए हैं हमारे पास, एक जी. तो तीन क्वेश्चन बचे हैं, तीनों बहुत आसान है, और अभी मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगी कि इन तीनों को आप जरूर प्रैक्टिस करना. मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी कि तीनों को आपने कैसे किया, आंसर बताइए मुझे. अगर कहीं पे डाउट आएगा तो मैं जरूर आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है बच्चों? ओके देन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्कूल के लिए जाइए आप. नेक्स्ट क्लास है ना आपका? यस मैम. ओके, नेक्स्ट क्लास है. या प्लीज नेक्स्ट क्लास अटेंड कीजिए. ओके, बाय बाय. बाय 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 मैम.